भैया गुड मॉर्निंग सभी लोगों को चाय के साथ। ठीक है, अपनी चाय रेडी क्या आधी पी चुका हूँ और बिस्किट वगैरह खा चुका हूँ। मतलब थोड़ा पेट में होना चाहिए क्योंकि अभी पैकिंग करने में जो मेहनत लगती है ना वो बहुत बड़ी मेहनत होती है। सांस फूल जाती है पूरी क्योंकि इतना सारा स्टफ होता है। एक एक सामान को दो बार कम से कम तीन बार चेक करना पड़ता है ये, हाँ कि ये रख लिया या नहीं रखा, क्योंकि अगर एक जगह मैं छोड़ दूंगा तो उस जगह पे दोबारा आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मस्त वहाँ मैंने सामने रात को भी यहीं आग जलाई थी और अभी भी लकड़ियाँ तो बहुत सारी हैं हमारे पास। चाय तैयार हो चुकी है। एक छोटा सा टूर देता हूँ आपको अपने कैंप का, रुको बाहर जाके। भैया ये मेरे पास एक पैन है, मैं इसी में चाय, अंडा, चिकन, मैगी, चावल, खिचड़ी सब इसी में बनाता हूँ। चीनी, चावल और मैक्रोनी का डब्बा, ये वाला मसाले का, ये मेरी प्लेट, हेलमेट, बैग, स्लीपिंग बैग, जैकेट, ब्लैंकेट, मेरा इलेक्ट्रॉनिक या साइकिल का मेन, वो समझ लो एक मेन बैग होता है मेरे पास ये, जिसमें मेरी सारी चीज़ें होती हैं। चाय, ये मेरा हैंड बैग है, इसमें मैं फूड आइटम रखता हूँ, जैसे कि कुछ भी खाना हो तुरंत तो ये आगे रहता है ये बैग। और ये अपना टेंट, सौख सूख रही है क्योंकि यहाँ दिन में गर्मी बहुत होती है। और वो खड़ी अपनी साइकिल, और ये नदी, कितनी सुहानी सी नदी है, देख रहे हो, मस्त लोकेशन, वो रे सूरज मामा जी। और वो जो ऊपर है ना, वो ऊपर ये रोड है, मैंने साइकिल उतार तो ली थी, एक भैया ने मदद कराई, अब चढ़ाने में सोच रहा हूँ कैसे लेके जाऊँ। तो शक्ल पे मत जाना, शक्ल बहुत बेकार है, मेरी तरह घूमोगे जब पता लगेगा कि शक्ल ऐसी क्यों हो जाती है। ठीक है, और ठीक है, मेरा टारगेट है यार अपना श्रीनगर का है, तो मेरे रास्ते में दो तीन चीज़ें पड़ने वाली है, कारगिल वॉर मेमोरियल, उसके बाद अपना सोनमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है, ये तीन जगह जो है मैं सोच रहा हूँ कवर कर लूँ, और श्रीनगर की डल लेक तो ज़रूर, चार कुल मिला के अब मेरे सफ़र में सिर्फ चार रह गए हैं जो मेरे को चार चीज़ें कवर करनी है, और मैं निकल चुका हूँ अपने घर की तरफ, लेह से वापस श्रीनगर कारगिल होता हुआ, क्योंकि एक्चुअली मेरे घर पे कुछ काम है, काम क्या कुछ भी समझ लो, अब हर बातें शेयर नहीं करी जा सकती, बट हाँ मैं अपनी ट्रिप को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और अपने काम की तरफ भी ध्यान रख रहा हूँ। तो मैं निकल चुका हूँ काफ़ी, मैं आप कारगिल से कम 14-15 किलोमीटर पहले हूँ। तो देखते हैं भैया, अभी से हालत ख़राब हो रही है ऊपर का देख देख के कि साइकिल कैसे चढ़ेगी, और उसके बाद सारा सामान, तो ठीक है कोई बात नहीं, आपको देते हैं आगे की अपडेट। ओके भाई साहब, हमारी 50% पैकिंग डन हो चुकी है, मैट, बैग, टेंट, साइकिल क्लीन, सब कुछ डन, और कपड़े भी चेंज। ठीक है, तो अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जो मेरा मेन टास्क है वो है साइकिल को ऊपर चढ़ाना। ठीक है, 50% या 60-70% मान लो पैकिंग डन है, बस ये सारा सामान लोड करके रबड़ बांधनी है और निकलना है। ठीक है, तो मैं पहले जगह देख के आता हूँ, कोई अगर दूसरी जगह मिली मुझे साइकिल चढ़ाने की तो ज़रूर, नहीं तो फिर मैं कुछ करता हूँ, फिर कंधे पे लाद के देखता हूँ, बट थोड़ा डिफिकल्ट है, एक्चुअली क्या है पैर स्लिप हो रहे हैं, वहाँ जो ऊपर वो जगह है ना, ये पत्थरों के पास से पैर स्लिप हो रहे हैं, इसलिए मैं जाना नहीं चाह रहा। और ठीक है, मस्त नज़ारा था भाई, रास्ता भी देखाया, कोई रास्ता नहीं मिला। ठीक है, अब वहीं से ही चढ़ानी पड़ेगी कैसे भी करके। तो आज अपने टारगेट पे पहुंचने से ज़्यादा मुश्किल काम तो मुझे ये लग रहा है कि अपनी साइकिल ऊपर कैसे चढ़ाऊँ, तो देखते हैं, कोई बात नहीं, मेहनत से तो हम वैसे भी नहीं कतराते, आज भी नहीं कतराएंगे, तो चढ़ाता हूँ साइकिल।
तो भैया टेंट बांध दिया, अगला बैग बांध दिया, सैडल बैग, पानी, साइकिल भी ऊपर ले ही आया मैं, और बस मैट, स्लीपिंग बैग और मेरा बैग पड़ा वो नीचे। ठीक है, तो मेरी तो इतने में ही हालत ख़राब हो गई भाई साइकिल चढ़ाने में, और अभी तो मेन बैग पैक करना है और उसके बाद निकलना है। ठीक है, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। बस या आखिरकार हमने अपना बैग पैक कर लिया, साइकिल भी चढ़ा ली, सब कुछ कर लिया। आप साइकिल अपनी 100% डन है और हम निकलने के लिए एकदम रेडी हैं। यार चश्मा टूट गया साला, 5 रुपया का फेविक्विक कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है तो वो बड़े वाला एल पी, उसका हम क्या करेंगे। तो ढूंढ रहा हूँ फेविक्विक मिल जाए, चश्मा जोड़ के दोबारा पहनूंगा, बहुत धूप हो रही है। तो मैं अब निकलता हूँ अपनी मंजिल की ओर, हमें पहुँचना है द्रास। द्रास में है कारगिल वॉर मेमोरियल। तो निकलते हैं, नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद निकलेंगे कहीं। ठीक है, बाय बाय, दिखाते हैं फिर आगे का नज़ारा, बाय बाय। भैया थोड़ा सा चल के मुझे ये दिखा, ये है कब्रिस्तान, यानी हम साला कब्रिस्तान के बराबर में सो रहे थे। बताओ यार, ये भी कोई बात है, ये पूरा कब्रिस्तान है, हमें तो मालूम ही नहीं था। भाई जहाँ कैंप लगाया था वहाँ से तो निकल चुका हूँ, और दोबारा से ये रेतीले पहाड़ आ गए हैं। ये बहुत दुखी करते हैं यार, क्योंकि इनके बीच ना पानी मिलता है और सिर्फ धूल मिलती है, जो कि पूरी आंख नाक सब में जाती है, जिस वजह से कभी कभार नोज में से ब्लड भी आने लगता है। अब ये नहीं पता कि ये मेरे आता है, सबके आता होगा, बट मेरे तो आता है इतने ड्राई की वजह से। तो चल रहे हैं, देते हैं आगे की अपडेट। तो ये है भाई कारगिल का, कारगिल का पूरा आर्मी एरिया आप देख रहे होंगे, ये चारों साइड कारगिल का आर्मी एरिया है। मैं सारी चढ़ाई चढ़ के आ चुका हूँ और द्रास की तरफ हूँ, मैं द्रास जा रहा हूँ कारगिल वॉर मेमोरियल देखने। आई होप कि आज आज मैं पहुँच जाऊँ, आशा तो यही रखता हूँ, बाकी तो पता नहीं। ठीक है, तो आगे का अपडेट देंगे आपको। अपनी धन्नो चल रही है मजे से, बाय बाय। तो भैया कारगिल से हम निकले थे, यहाँ इस वाली दुकान से मेरा चश्मा टूट गया था, मैंने पहले भी बताया था आपको, 5 रुपए भी की फेविक्विक से मेरा चश्मा ठीक हो चुका है। और ऐसे ही मैं, इन भैया है, इन भैया का नाम है अंग्रेज सिंह, मैं इनसे ऐसी बात कर रहा था, तो मैंने पहले पराठे का रेट पूछा तो मेरे को कॉस्टली लगा, तो फिर मैं जाने लगा, इन्होंने मुझे रोक के इतना अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि वो मैंने दिल्ली में भी ऐसा पराठा नहीं खाया पूरे सफर पे, फुल बटर लोडेड एकदम दाल मखनी और इतनी स्पाइसी चटनी के साथ। भैया बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपको। और ये भैया का ढाबा है यहाँ कारगिल ऑन द वे पे, आप अगर आएंगे तो मेरे ख्याल से बेस्ट एंड बेस्ट फूड मिल सकता है इधर, क्योंकि पंजाबी है सबसे बड़ी बात, सारी चीज ओरिजिनल मिलती है, कुछ चीज लोकल नहीं, सबसे अच्छी बात जो लगती है। ठीक है, तो भैया ने मुझे एक और चीज ऑफर करी है कि आप जब मीना मार्ग पहुंचेंगे तो वहां पे इनका एक और ढाबा है, तो ये कह रहे हैं वहां भी आप जाके आराम से खा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब मैं निकलता हूँ, इन्होंने बताया कि यहाँ से लगभग डाउन ही है, तो शायद मैं आज कारगिल पहुँच जाऊँ वॉर मेमोरियल। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ अपना समय वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अभी। तो भैया हम कारगिल टाउन में एंट्री कर चुके हैं, ये अपना रास्ता जाता है द्रास, जोजिला पास, जम्मू, श्रीनगर। तो ये आप देख रहे होंगे ऊपर बोर्ड, ये सारी मार्केट्स है कारगिल की, काफ़ी अच्छी जगह है मेरे हिसाब से, बंदा रह सकता है, हर एक ज़रूरत का सामान भी है, बस यहाँ पे शराब बैन है। ठीक है तो ठीक है, अभी चल रहे हैं मार्केट में अपना, और धन्नो अपनी चली रही है। तो ठीक है, अभी पहुँचते हैं द्रास का, आज अपना टारगेट है वॉर मेमोरियल तक का, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। या ये कारगिल का मैंने ब्रिज भी पार कर दिया और अपन निकल चुका है द्रास की तरफ। ठीक है, आई थिंक हाँ, ये देखो कारगिल टाउन, द्रास, सारे अंजर पंजर हिल गए। तो हम हैं इस टाइम कारगिल की मार्केट में, तो
यहाँ पे यार बंदे बड़े बेकार हैं यहाँ के, मतलब अजीब ही हैं बंदे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कुछ मुझे तो। जैसे ही मैंने वो ऊपर वाला हिस्सा छोड़ा, नीचे आके थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बहुत चहल पहल है, हलचल है, भीड़ है। मेन बात है शायद मॉर्निंग टाइम है इस वजह से। तो ठीक है, देंगे आगे की अपडेट भी, चल रहे हैं भाई। बहुत अच्छा डेकोरम है, मतलब ये जो भी मार्केट्स हैं इनका डेकोरम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक तो फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी आ रही है इतर की कि मैं बता नहीं सकता। तो बढ़िया है, जो भी है। चल रहे हैं हम द्रास की तरफ, कारगिल वॉर मेमोरियल। और मार्केट मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, बर्तन से लेके इलेक्ट्रिक, ATM, सब कुछ। भैया नदी किनारे किनारे चल रहे हैं अब हम, और नदी किनारे ही चलेंगे काफ़ी देर तक, या एक दो दिन मान लो इस नदी के साथ साथ। ठीक है, कारगिल की मार्केट वगैरह सब पार कर दी है, अब द्रास ये लगा लो, अब द्रास की तरफ है। मैं भाई समझ नहीं आ रहा यार, इतनी तेज हवा चल रही है यार, हद हो गई। खेंचते खेंचते भाई साहब दम फूल गया पूरा, पर इस हवा ने अपना रुख नहीं बदला, बिल्कुल ऐसे छाती पे टच कर रही है। ऊपर से हमारे सूरज भैया देख रहे हो, क्या बताऊं। तो भैया कारगिल वॉर मेमोरियल भी पहुंच चुके हैं और अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके देखते हैं कैसे होता है। साइकिल वहाँ पार्किंग में खड़ी है। ठीक है, तो भैया अभी अपने को पता चला कि अंदर शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, तो मेरे को बाहर भेज दिया, जा रहा हूँ मैं दोबारा से शॉर्ट्स पहन पजामा पहनता हूँ फिर अंदर जाता हूँ। तो भैया ये है कारगिल वॉर मेमोरियल। ठीक है, एंट्रेंस से हम आए और पापा चल रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये देखो ये पता नहीं C-1538 C-1538 पता नहीं फाइटर प्लेन है ये तो शायद, और मतलब है तो बड़ा खूबसूरत। सोचो एक पहाड़ों के बीच में क्या बना हुआ है, गजब की चीज़ है। ठीक है, मतलब नज़ारे क्या ही बताऊँ, समझ रहे हो, एकदम मौसम बवाल बवाल चीज़ें भी रखी हैं शायद यहाँ। बवाल मतलब खतरनाक, वैसा बवाल नहीं। और ये देखो आप, ये जो नज़ारा है ना वो बड़ा शानदार है। तो भैया ये सामने जो है जो भी जगह है इसे कहते हैं वीर भूमि। वीर भूमि इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे अपने जो भी शहीद हुए थे उन सब की याद में, देख रहे हो एक एक फ्लैग विद देयर नेम्स एवरीथिंग। ठीक है, ये देखो भैया, हमने कारगिल वॉर मेमोरियल भी देख लिया है और हम द्रास भी पार कर चुके हैं। ठीक है, और द्रास में यार बहुत लूटा जाता है टूरिस्टों को, जिस चक्कर में मैंने वहां रुकना पसंद नहीं किया। पन्नी में देख रहे हो आलू प्याज टमाटर ले लिए और चल रहा हूँ आगे, कोई जगह देखूंगा। वैसे तो सबने बोला यहाँ कैंप मत करना, यहाँ भालू आते हैं, तो देखता हूँ।